पता है 5 तारीख को जिला पुंछ में हमारे एक लोकेलिटी में साई मोहल्ला में रविंद्र सिंह जी पर एक कातिलाना हमला हुआ। तो उस कातिलाना हमले में उनके काफ़ी तेज धार हथियार से वार किया गया जिसमें उनको काफ़ी जर्बात आई। उसके बाद उनको जैसे कि जब पता चला पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंची, इवैक्यूट करके हॉस्पिटल पहुंचाया। और चूंकि उनकी हालत थोड़ी सी खराब थी, काफ़ी नासाज थी, तो पहले उनकी तबीयत इमदाद करके फर्स्ट एड करके शिफ्ट किया गया हरजोरी में। इसमें चूंकि वो इंडियन आर्मी के मुलाजिम थे तो आर्मी से भी काफ़ी सहयोग मिला। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश रवा की और सारे एक्टिवेट को सोर्सेज को एक्टिवेट किया, चाहे उसमें हमारे DSP थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, थाना पुलिस थी, और मिलकर पूरे स्कैनिंग की कि इसमें कौन इन्वॉल्व था। इसमें 2 शख्स इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है, गगनदीप सिंह जो डेरा पहुँच गया है और सिमरनजीत सिंह चट्टा जम्मू का है, उनका नाम आया। उनको धर दबोचने के लिए हर जगह से नाकेबंदी की गई, चेकिंग की गई, फिर की गई और उनको पकड़ लिया गया है और आगे की तफ्तीश इसमें चल रही है। क्या लगता है सर, इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं इसमें? मैंने आपको आखिरी बोली कि इसमें तफ्तीश चल रही है और इसमें जो इसमें तफ्तीश में आएगा, आगे कोई लोग आया, कोई शख्स आया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आया, उनको भी तफ्तीश में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। शुरुआती जांच में क्या पता चला कि मारने का कारण क्या रहा है? इसमें डिफरेंट कारण है, लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जब तफ्तीश किसी मुकाम पर पहुंचेगी उसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा। ज़्यादातर किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? मैंने बोला तेज हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिससे उनको जर्बात पहुँचाई गई है। तो क्या ये जो लोग हैं इनका पहले भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है या अभी? इसमें जो एक जो हमारे हैं उन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें के बाबत हमने डिफरेंट पुलिस स्टेशन से कॉरेस्पॉन्डेंस करी है कि इनका जो रिकॉर्ड है वो भी हम बरामद कर रहे हैं।